अर्ली लाइफ एंड एडुकेशन। कैप्टन दिव्या अजीत कुमार बॉर्न इन चेन्नई टू अ तमिल फैमिली। शी इज द फर्स्ट जनरेशन सोल्जर विथ नो आर्मी ब्लड हिस्ट्री इन हर पास्ट। शी डिड हर स्कूलिंग एट गुड शेफर्ड मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई एंड वेंट टू स्टेला मैरिस कॉलेज चेन्नई वेयर शी कम्प्लीटेड हर बी कॉम। शी ज्वाइंड NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स विच इंस्पायर्ड हर टू ज्वाइन इंडियन आर्मी एंड पार्टिसिपेटेड इन NCC विमेन कॉन्टिंगेंट इन राजपथ एंड लेटर ज्वाइन OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। शी पास्ड फ्रॉम OTA। दिव्या अजीत कुमार बिकेम द फर्स्ट वुमन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन आर्मी टू रिसीव द कोवेटेड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राइज विच इज अवॉर्डेड टू द बेस्ट कैडेट वेयर शी पास्ड विद अ टोटल ऑफ 244 कैडेट्स इंक्लूडिंग 63 वुमेन। शी इज ऑल्सो अ मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। दिव्या इज ऑल्सो एन एकम्प्लिश्ड भरतनाट्यम डांसर, परकर्सनिस्ट एंड वेल वर्स्ड इन स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल एंड डिस्कस थ्रो। मिलिट्री कैरियर। कैप्टन दिव्या अजीत कुमार वॉज कमीशन इन टू कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस ऑन सेप्टेम्बर 2010। कैप्टन दिव्या ऑल्सो ज्वाइंटली टॉप्ड द यंग ऑफिसर्स कोर्स ऑफ द आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज इन 2011 एंड वॉज अवॉर्डेड द सिल्वर गन ट्रॉफी। कैप्टन दिव्या अजीत कुमार लेड द फर्स्ट ऑल वुमेन कंटिंगेंट ऑफ द आर्मी ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी 2015। She led a contingent of 154 women officers and cadets during the parade where US President Barack Obama was present as the chief guest. Nearly 200 women officers from all over the country had come down to the OTA, and after a rigorous selection process, 126 officers and 28 women cadets from the academy were selected for the parade. Captain Divya Ajit Kumar was selected to lead the contingent. She now teaches at the Officers Training Academy in Chennai and travels to schools and colleges to talk to students and inspire them to consider a life serving the nation by choosing a career in armed forces. She has inspired many women to join the armed forces.